अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इज़ वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। दिस इज़ वकार फ्रॉम गैमर इंटरनेशनल साइंस कॉलेज अरतलागा। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग। इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर डिलीवर किए गए हैं चाहे वो मेरी तरफ से हैं या सर वाजिद साहब की तरफ से, आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश की होगी। डियर स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर दैट यूर एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन the last of this month after 20 July. So dear student, be careful and be attentive regarding your exam. So I'm going to teach you a very important topic today, which is past continuous passive voice. आप पहले ही active voice के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम past continuous के passive voice के बारे में पढ़े। active voice के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ पर रहा था, रही थी, था और नो कंपल्शन थे। उसके अंदर हम वाज और वर के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर प्लस आईएनजी, वो खाना खा रहा था, ही वाज ईटिंग मील, वो खाना पका रही थी, शी वाज ईटिंग मील, हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग मील, मैं खाना खा रहा था, आई वाज ईटिंग मील, वो खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग मील, हमने वहाँ पर ये बात की। एंड इन नेगेटिव वी यूज्ड अ टर्म नॉट आफ्टर वाज एंड वर, हमने वाज और वर के बाद क्या इस्तेमाल की, नॉट की टर्म। एंड इन इंट्रोगेटिव एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने क्या इस्तेमाल की थी, यानी हमने ये टेक्निक इस्तेमाल की कि हमने वाज और वर्क उठा के सब्जेक्ट से पहले। बट राइट नाउ यू आर गोइंग टू बी टॉट बाई मी पैसिव वाइज। सो पैसिव वाइज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन बार आप इस बात को पढ़ चुके हैं, फिर मैं लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। इट मीन्स दैट वेन देर इज़ नो सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। दूसरी बात, सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं होता। व्हाट इट मीन्स, यानी काम करने वाला हमेशा लीड करता है एक्टिव वॉइस के अंदर। सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स इन फ्रंट इन एक्टिव वॉइस, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू में बात की जाए या इंग्लिश में, सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। बट इन दिस केस सब्जेक्ट विड नॉट लीड, वो उसको लीड नहीं करेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट या वर्ब के बाद होगा। डियर स्टूडेंट, ये है इसकी पहचान, आइडेंटिटी, हाउ कैन यू मेक अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी आपको पता है, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ये दोनों क्या हैं, मैं इसके साथ सी अक्सर लिखता हूँ, इसका मतलब है कंपलसरी, ये दोनों कंपलसरी हैं। जो भी आप पैसिव बनाने जा रहे हैं, जिस टेंस का भी बनाने जा रहे हैं, जिस ज़माने का भी बनाने जा रहे हैं, जिस ज़माने की आगे हालत का बनाने जा रहे हैं, हमेशा इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आएगा और थर्ड फॉर्म कंपलसरी। ये सेकंड के स्ट्रक्चर बदलते रहेंगे। देखिए प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर यहाँ इज आर एम और बीइंग था, यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा आसान है, कॉन्टीन्यूस को माइंड में रखें। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या था, इज आर एम बीइंग, ये तो पक्की है ना। अब पॉस्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर क्या है, वर एंड वाज और प्लस बीइंग। अब एक जुमला लेते हैं सिंपल सा, खत लिखा जा रहा था, कौन है लिखने वाला, काम हो रहा है लिखना, कौन है लिखने वाला, कोई भी नहीं, किस चीज़ को लिखा जा रहा है, खत को, तो कोई बंदा नहीं है जो काम कर रहा हो। तो स्टार्ट पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट लेटर, साथ क्या आ गया, वाज, साथ क्या आ गया, बीइंग, और थर्ड फॉर्म लिखना, राइट रोट एंड रिटन। नेक्स्ट, काबा तामीर किया जा रहा था। डियर स्टूडेंट, ये मैंने क्यों लिखा है, ये आप जब आप पढ़ेंगे ना सबक वगैरह आपने, तो उसके अंदर ये लाइन आएगी इंशाल्लाह, काबा वाज बीइंग, तामीर करने वाला कोई नहीं है, किसको तामीर किया जा रहा है, तामीर वर्ब, कौन तामीर, कोई भी नहीं, किसको, काबे को, काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बिल्ट भी हो सकता है, यानी काबा तामीर किया जा रहा था। इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें,
GDS student. I hope you would have a screenshot right now. Next, यहाँ पे एक और जुमला लेते हैं. कॉपी असलम लिख रहा था. हाँ जी, काम क्या है? लिखना. कौन लिख रहा है असलम? किस चीज़ को? कॉपी को. देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट लीड नहीं कर रहा बल्कि आफ्टर ऑब्जेक्ट आ रहा है. तो ये वाला केस आ गया. जब भी सब्जेक्ट पहले नहीं आता, स्टार्ट पे नहीं आता, तो वो सेंटेंस भी किसका होता है? पैसिव का होता है. इसमें भी पहले हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. नोटबुक यानी कॉपी सिंगुलर है तो वाज. नोटबुक वाज. साथ क्या आ गया? बीइंग. और थर्ड फॉर्म रिटन. ठीक है जी, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं. बड़ों का एहतराम वो कर रहा था. बड़ों का एहतराम वो कर रहा था, या बड़ों का एहतराम, या वो बड़ों का वो एहतराम कर रहा था, एक ही बात है. काम क्या हो रहा है? एहतराम करना. कौन एहतराम करने वाला? वो. किस चीज़ का? बड़ों का. ऑब्जेक्ट क्या आ गया? बड़ों. ओल्डर्स जम है तो वर आ गया. ओल्डर्स वर. ये देख ले, ऑब्जेक्ट वाज और वर. साथ क्या आ गया फर्मूले का? बीइंग. ओल्डर्स वर बीइंग. रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सेकेंड एंड थर्ड. ओल्डर्स वर बीइंग रिस्पेक्टेड बाय. ओए यहाँ पे मैं भूल गया कुछ. बाय असलम, सॉरी. ओल्डर्स वर बीइंग रिस्पेक्टेड बाय. वो ही होता है लेकिन बाय के बाद मफोली हालत यानी हिम लगती है. सो डियर स्टूडेंट, राइट नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर टॉपिक, द सेकेंड पार्ट ऑफ योर टॉपिक. यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू फर्दर रिगार्डिंग दिस टॉपिक. I hope you would have take a screenshot. Right now I'm going to teach you the second part of this tense, which is also very important and which is known as the name of negative sentences. So dear student, keep your eyes on blackboard. Don't waste your time. Don't provoke here and there. नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव डाटास, नफी फिक्रात. तो इसके नफी फिक्रात में हम वाज, वर प्लस नॉट प्लस बीइंग, कोई चेंज नहीं. जैसे वहाँ पे वाज और वर के बाद नॉट था, डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी वाज और वर के बाद नॉट है. डायरेक्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, उर्दू नहीं लिख रहा. लेटर वाज, तो बाद में क्या आ गया? नॉट. लेटर वाज नॉट, फार्मूले का बीइंग, और वही सारी थर्ड फॉर्म सब में यूज़ होगी. नई एग्जांपल उर्दू आप खुद बनाओगे. बर्ड्स वर, वर के बाद क्या आ गया? नॉट. बर्ड्स वर नॉट बाट बाय, इसकी उर्दू आप खुद लिखोगे. काबा वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय मी. काबा मैंने तो तामीर नहीं किया ना,
तो काबा वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाई मी, काबा मेरी तरफ से तामीर नहीं किया जा रहा था बल्कि किसकी तरफ से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो डियर स्टूडेंट, अब आप गौर करें, पहले जुमले में भी सिर्फ नॉट की तब्दीली, दूसरे में भी नॉट की, तीसरे में भी नॉट की, बाकी कोई तब्दीली नहीं, सेम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, बीइंग बीइंग बीइंग, वाज वाज वाज, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फिर थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये आपका नेगेटिव का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। I hope you would have taken a screenshot of it. So I'm going to teach you last part of this tense, which is also very important, and the right pronunciation of this word is interrogative, not interrogative, interrogative. Interrogative sentences. It means सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात के अंदर हम क्या करते हैं कि हम वाज और वर को ऑब्जेक्ट से पहले, बिकॉज देर इज़ नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, आर द सब्जेक्ट इज़ नॉट लीडिंग इन दिस सेंटेंस, सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि हम वाज और वर को उठा के ऑब्जेक्ट से पहले और साथ डियर स्टूडेंट बीइंग लगा देते हैं। अब ये आपका बन जाएगा, अब मैं इसके लिखने लगा हूँ उर्दू के अंदर ताकि आपको आसानी हो जाए। क्या खत लिखा जा रहा था, कौन है लिखने वाला, कोई भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क आ गया, सवाल ये हो गया, स्टार्ट पे क्या आ गया, वाज, अब आर्टिकल लगाएंगे, वाज द लेटर, फिर क्या आ गया, बीइंग रिटन क्वेश्चन मार्क, क्या मैं परिंदे देख रहा था, तो वाज आए, वाज आए बीइंग ऑब्जेक्ट के बाद, सो नो 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 नो, दिस इज एक्टिव वॉइस, we are studying passive voice, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या परिंदे मैं देख रहा था, तो अब ये क्या बन गया, passive बन गया, किस चीज़ को देखा जा रहा है, परिंदों को, तो birds were being, और यहाँ पे जब इसको सवालिया बनाएंगे तो वर को पहले लिख देंगे, वर आर्टिकल, द बर्ड्स बीइंग लुक्ड बाय मी, क्योंकि यहाँ पे आप गौर करके देख रहे हैं तो आप यहाँ पे सी की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, बल्कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लुक की थर्ड फॉर्म लगानी है जो लुक्ड है। सो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपका था पास कॉन्टीन्यूअस, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि किस तरह पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, इससे पहले आप उसका एक्टिव वॉइस बना चुके हैं। डियर स्टूडेंट, इस सारे लेक्चर का फ़ायदा तब है, ये सारी स्टडी का फ़ायदा तब है जब आप रेगुलरली क्लासेस लेंगे और उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करेंगे, अदरवाइज इट विल बी अ ग्रेट डिज़ास्टर फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर अपकमिंग डेज। सो डियर स्टूडेंट, बी केयरफुल, लेक्चर का स्किप नहीं करना, पूरा लेक्चर देखना है, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, शुक्रिया।